सातवां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन सुनिए, ए नीलगिरीज, बी अरावली, सी विंध्या या डी सतपुरा। बी अरावली लग रहा है। बी अरावली, क्या करना चाहेंगी? लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। गंभीर महाशय, बी अरावली पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका, 3,20,000 रुपए जीत गए आप, बहुत खूब। अरावली राजस्थान के पूर्वोत्तर क्षेत्र से गुजरती हुई दिल्ली के दक्षिणी हिस्से तक फैली है। ये लगभग 560 किलोमीटर लंबी है अरावली रेंज। बिल्कुल सही उत्तर आपका। आगे बढ़ते हैं खेल में और अब आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव, आठवां प्रश्न, जिसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। आठवां प्रश्न फातिमा जी, 6,40,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2013 को किस अभिनेत्री को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा सम्मानित किया गया? ऑप्शन सुनिए, ए विद्या बालन, बी माधुरी दीक्षित, सी करीना कपूर या डी सोनाक्षी सिन्हा। ए होगा विद्या बालन। लाइफलाइन। शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी, लाइफलाइन लेंगी फातिमा जी। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में उठाइए, 10 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 52%। ए बी और डी को मिले हैं 18, 24 और 6। जनता के साथ जाएंगी आप? फुल्ली फाइनली ताला लगा दिया जाए। ऑलराइट, करीना कपूर सी, ताला लगा जाए कंप्यूटर महाशय। ये जनता इस प्रश्न का उत्तर जानेगी, आपने कैसे सोच लिया? सब लोग शांत बैठे हैं। शांत इसलिए बैठे हैं फातिमा जी कि ये जो आपका उत्तर इन्होंने दिया है ये बिल्कुल ही बिल्कुल सही है। एक और चेक आ गया आपके नाम, 6,40,000 रुपए, इसे भी आप अपने पास रखिए ग्लोबल एंटरटेनमेंट में योगदान के लिए। करीना कपूर को यह सम्मान मिला था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, पार्लियामेंट में उनका यह सम्मान हुआ। आप 6,40 जीत गई हैं, दूसरा पड़ाव भी आपने पार कर लिया है। बहुत सारे लोन्स हैं आपके ऊपर और जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्या उनका मूल्य है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी भी धनराशि आज आप यहां से जीत के जा रही हैं वो आपके जो लोन्स हैं उन्हें आप पूरा कर सकेंगे, उन्हें चुका सकेंगे। ये चेक आपको कुछ मदद करेगा? हाँ, करेगा। आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा, चलिए बता ही दिया आप। ओके फातिमा जी, जैसा कि आप देखेंगे अब हमारा सप्तकोटी संदूक खुल जाता है यहाँ से और एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, 3 अभी भी बाकी हैं। अब आपके पास समय समय है फातिमा जी, नवा प्रश्न आ रहा है जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। तैयार हैं आप? ओके, नवा प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। सानिया मिर्जा का सबसे पहला टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब कौन सा था? ए यूएस ओपन, बी ऑस्ट्रेलियन ओपन, सी विंबलडन या डी फ्रेंच ओपन। बी ऑस्ट्रेलियन ओपन। बी ऑस्ट्रेलियन ओपन। श्योर हैं आप? ताला लगाने लायक? फुल्ली फाइनल। फुल्ली फाइनली फातिमा जी कह रही हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन बी पे ताला लगाया जाए। Is the right answer? Well played. एक और चेक आपके नाम। जवाब देते समय आप कभी भी हिचकिचाती नहीं है, ये बहुत सुंदर है, आपका ज्ञान जो है वो बहुत सुंदर है। इसे मैं यहां रख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि और भी आप जीते यहां से।
अब मुझे लग रहा है कि जो लोन्स हैं वो शायद पूरे हो जाएंगे। हो जाएंगे, हो जाएंगे। चलिए, मुबारक हो आपको। अम्मी जी आपको भी मुबारक। मुझे मुबारक हो गया लोन तो पूरा। तो हमें बड़ी खुशी हो रही है पद्मा जी कि यहाँ आकर के जिस इरादे से आप यहाँ आई थी उनमें से एक इरादा जो है वो पूरा हो गया है। बहुत तकलीफ में थे आप लोग और आज वो तकलीफ जो है वो आपकी दूर हो जाएगी। ओके, तो जो आपने उत्तर दिया फातिमा जी बिल्कुल सही था। सानिया मिर्जा 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में सानिया मिर्जा और महेश भूपति की जोड़ी ने मिक्स डबल्स जीता था और ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। 12,50,000 आपने जीत लिए हैं और अब आ रहा है 25 लाख रुपए का प्रश्न जो है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए के लिए फातिमा जी आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श नाम दिया गया? ऑप्शन सुनिए। ए फिरोज तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या डी बहलूल लोदी। समय ही समय है आपके पास। 12:50 आप जीत रही हैं। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख। 3 लाइफलाइन अभी भी बची हैं, किसी भी समय आप उनका इस्तेमाल कर सकती हैं और अगर आपको उत्तर मालूम है और शोर है तो उत्तर दे सकते हैं। ऑडियंस पोल करना चाह रही हैं। ओके, ऑडियंस पोल के लिए आपको पावर पपलू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी, पावर। ठीक है, कैमरा महाशय पावर पपलू को अंकित किया जाए और फातिमा जी चाह रहे हैं कि ऑडियंस पोल जो है वो दोबारा जीवित हो जाए। तो ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। ऑडियंस 10 सेकंड मिलेंगे आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए और इनकी मदद करने के लिए। 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। सी को दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, सबसे ज्यादा प्रतिशत है 44%। बी अलाउद्दीन खिलजी को मिले हैं 32, 8% दिया है। ए को 16% मिले हैं। डी को क्या करेंगे आप? सी ऑडियंस कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑडियंस के साथ जाएंगे। फाइनल उत्तर आपका? बिल्कुल फाइनल। कबीर महाशय सी कुतुबुद्दीन ऐबक, इस पे ताला लगाया जाए और देखें कि ऑडियंस सही है या नहीं। आपने रिस्क लिया फातिमा जी, इतना भरोसा आपने कर दिया ऑडियंस के ऊपर। जितना भी आपके ऊपर लोन था वो अब 6:40 पर आने के बजाय आपको 12 और दे दिए। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड ऑडियंस, बहुत बहुत बधाई आपको फातिमा जी। 25 लाख रुपए ये आपके हो गए, इसे मैं यहां रख रहा हूं। माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक बिना किसी भेदभाव के लाख रुपया दान में देने में संकोच नहीं किया करते थे, इसलिए उनका नाम था लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल सही है। अम्मी कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो पहले केबीसी भी बहुत पसंद था और आप तो है ही। नहीं, हम केबीसी की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं बता रही जी, आपकी बेटी। अजी बेटियों पर तो मुझे इतना गर्व है, मुझे बेटों का बिल्कुल अरमान नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। बहुत। और आज बेटी की वजह से मैंने बम्बई देख लिया, हवाई जहाज की सवारी कर लिया, हज करने जाऊंगी अल्लाह चाहे। अच्छा, ओके फातिमा जी, गेम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ध्यान से खेलिएगा, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा क्योंकि अगला प्रश्न आपको दे सकता है 50 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, 2 अभी भी बाकी हैं। 11वां प्रश्न, अमित जी सुनिए ध्यान से। अमित जी बगल वाले से बात कर रहे हैं, अभी भी उनकी चर्चा चल रही है। यहां 50 लाख की बात हो रही है, आपको मालूम है। 11वां प्रश्न 50 लाख रुपए फातिमा जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2013 में किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया? द प्रेसिडेंट ऑफ विच अफ्रीकन कंट्री
was conferred the Indira Gandhi Peace Prize in the year 2013 September. Option suniye: A. Nigeria, B. Kenya, C. Ethiopia, ya D. Liberia. डी लग रहा है लाइबेरिया। आपको डी लग रहा है? लग रहा है क्योंकि एरन जॉनसन से रिलीफ थी, शायद उनको मिला। फिफ्टी फिफ्टी। एक लाइफलाइन इस्तेमाल कर रही हैं आप? ओके कंप्यूटर महाशय फातिमा जी, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी। फिफ्टी फिफ्टी इसको अंकित किया जाए। इनमें से जो दो गलत ऑप्शंस हैं उन्हें मिटा दिया जाए। कंप्यूटर महाशय लाइबेरिया। श्योर है? श्योर। फुल्ली फाइनली? फाइनली। 50 लाख की बात है, फुल्ली फाइनली बताइए, लॉक किया जाए? जी। कमीर महाशय, लाइबेरिया डी पे ताला लगा जाए, देखें फातिमा जी सही हैं या नहीं। फातिमा जी, ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। वेल प्लेड, अद्भुत खेल रही हैं आप। 50 लाख रुपए का चेक फातिमा जी, ये आपका हो गया है। ये भी मैं यहां रख रहा हूं। लाइबेरिया के राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलीफ को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने समाज सेवा या विकास के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बहुत उम्दा आप खेल रही हैं फातिमा जी, क्या बताएं? किसी ने पहली बार बोला है कि मैं कुछ काम उम्दा कर रही हूँ। ऐसा मत सोचिए आप। ये सच है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बहुत सालों का आपका जो ज्ञान है ये समेटा हुआ है। हाँ, ये आज एक आपसे अवसर मिला है कि उस ज्ञान को आप इस्तेमाल कर सकें। मुझे ऐसा लग रहा है कि हालांकि आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं आज आपके साथ बनी हुई हैं। ओके फातिमा जी, अब आ रहा है 12वां प्रश्न जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। बहुत ही ध्यान से खेलिएगा। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई है, 1 अभी भी बाकी। फातिमा जी, 12वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए। आपके स्क्रीन के ऊपर अब यह रहा। सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? Who is the first Indian woman to conquer the highest peaks of all 7 continents? ऑप्शन सुनिए: ए. बचेंद्री पाल, बी. संतोष यादव, सी. प्रेमलता अग्रवाल, या डी. सुचेता खाड़ेथानकर। सी लग रहा है, प्रेमलता अग्रवाल लग रहा। शोर है या गेस कर रही है? सी और डी में से कोई एक है, पर मेरे पास लाइफलाइन नहीं है। आपके पास अभी भी 1 लाइफलाइन बची हुई है। तो उसके बाद नहीं मालूम ना, कैसा क्वेश्चन आएगा। नहीं है जी, अभी उसमें चारों ही ना मालूम है, तो ऐसा हो जाएगा। सी ही लग रहा है। फोन अ फ्रेंड और फ्लिप है, उन दोनों में से कोई एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके मन में दुविधा है। अगर आप श्योर हैं, इत्मीनान से सोचिए और बताइए कि लॉक करना है, क्या करना है। ठीक है, लॉक कीजिए। सी, प्रेमलता अग्रवाल। कंप्यूटर महाशय, प्रेमलता अग्रवाल सी पे ताला लगाइए। 1 करोड़ रुपए जीत गई आप। आइए आप माता जी, आइए यहां नीचे आइए। अनबिलीवेबल।
बिग हैंड फॉर फातिमा, 1 करोड़ रुपए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जितना घर से अच्छा लगा ना, उससे 20 गुना 100 गुना अच्छा ज्यादा लग रहा है। जब इसने ऑडिशन दिया ना, इतनी तैयारी थी, बहुत ही अच्छा। उसके बाद में फिर काफी रोज हो गए तो इसने तैयारी छोड़ दी थी। अच्छा, फिर अचानक ही जैसे ही सुबह को कॉल गया तो छोटी वाली बेटी कह रही, कहने लग गई, ऐसा ही केबीसी का? मैं कहे फातिमा देखे किसका फोन है, कैसा है केबीसी का? हर वो हकीकत में केबीसी का ही था फोन। हाँ अच्छा, जब इसने ऑडिशन दिया, अगर ये जब आती तो ये पूरे 7 करोड़ जीत के ले जाती। अब तो इसने छोड़ दिया था ना। जी जी जी, काफी। लेकिन अभी भी इनका खेल खत्म नहीं हुआ है। नहीं, वो मैं बता, अभी तो और 3-4 प्रश्न बाकी है। हो सकता है ये वहाँ पहुँच जाए। अच्छा है कि नहीं? आइए, आप वहाँ बैठिए, बिराजिए। बिग हैंड फॉर अम्मी। बिग हैंड फॉर फातिमा'स मदर। बहुत बहुत बधाई आपको फातिमा जी, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, 48 वर्ष की उम्र में झारखंड की प्रेमलता अग्रवाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की उन्होंने। ये इस पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला भी हैं। मई 2013 में उन्होंने माउंट मैकिनली पर चढ़ाई की। बचेंद्री पाल के प्रशिक्षण में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी। मैंने पढ़ा था इसको। कहाँ पढ़ा आपने, कैसे पढ़ा इसे, कैसे तैयारी की आपने? अम्मी तो कह रही थी आपने तैयारी छोड़ दी। ऑडिशन के बाद छोड़ दिया था। ऑडिशन के बाद छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि नहीं लगता था मेरा नंबर आएगा, क्योंकि वहाँ सब बोल रहे थे हम 4 साल से आ रही है, हम 3 साल से आ रहे हैं। मेरा तो पहला साल है, मेरा कहाँ आएगा? 3 साल बाद सोचूंगी ना कि आएगा, वो पहली साल आ गया। बहुत बहुत बधाई फातिमा जी। 13वां प्रश्न डालने से पहले 1 करोड़ का चेक सबसे पहले मैं आपको देना चाहूंगा। ये मौका बहुत कम मिलता है हम सबको। देवी और सज्जनों, 1 करोड़ रुपए का चेक फातिमा जी के लिए। ये मेरी लाइफ की फर्स्ट इनकम है। ये पहली इनकम है क्योंकि मुझे आज तक कभी स्कॉलरशिप भी नहीं मिला है। स्कॉलरशिप